हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेशल और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आईआर कैनन 3300 का सर्विस कैसे कर सकते हैं। और कोई भी आपको दिक्कत है मशीन में, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए, कोई भी एरर आए, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारा रहा 3300 मशीन, और इसमें आप कैसे सर्विस करेंगे और इसका ट्रांसफर रोल निकाल के कैसे साफ करेंगे, प्लेटफॉर्म को कैसे एग्जिट करेंगे और डुप्लेक्सिंग को कैसे एग्जिट करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको मैं A to Z इसका सर्विस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और तो यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा प्लेटफॉर्म। अब आइए देखते हैं इसको कैसे खोलेंगे, स्टार्ट करते हैं। ये DP मैंने बाहर निकाल लिया और इसको इस तरह से जगह में रख देंगे, कोई आए जाए ना, ठीक है। और ये रहा आपका ड्रम यूनिट। ये प्लेटफॉर्म ऐसे नीचे करेंगे, ये देखिए प्लेटफॉर्म नीचे उतरा, और प्लेटफॉर्म नीचे उतार के इसको खोल लेंगे। ओके, इसको रख देते हैं यहाँ पे। और आइए देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो है ये पेपर अटका हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये पेपर आके यहीं पे बार बार रुक जा रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये ट्रांसफ़र रोल है। तो ये प्लेटफॉर्म का जो है ट्रांसफ़र रोल, इसको कैसे साफ़ करेंगे आज हम इसको जानेंगे। और इसमें देखिए इतना धूल मिट्टी, ये देखिए इतना धूल मिट्टी जमा हुआ है, इसको कैसे सर्विस करेंगे। ये देखिए ये वाला डुप्लेक्सिंग यूनिट हो गया, इसको ये डुप्लेक्सिंग प्लेट हो गया, सॉरी डुप्लेक्सिंग प्लेट को कैसे निकाल के एग्जिट करके उसको साफ करेंगे। आज हम मैं पूरी इसके बारे में बताऊंगा, आपको जानकारी दूंगा। आप कोई भी अगर दिक्कत आए तो हमें पूछ सकते हैं, और कुछ नहीं बता पाया तो उसको बाद में भी बता दूंगा। आप हमें कॉल करके, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ये मैंने पेपर निकाल लिया, ये देखिए ये पेपर निकाल लिया मैंने, और इसको आप देख सकते हैं ये आगे और पूरा पूरा नहीं छपा हुआ है, ये आधा अधूरा है। यहाँ पे आधा प्रिंट आया है और यहाँ पे ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे पेपर रुक जा रहा है। मैं इसको उतारने जा रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको निकालते हैं हम। ये देखिए ये रुक रहा था, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया। देखते हैं कहाँ पे रुक रहा है, इसको खोल लेते हैं। अब हम प्लेटफॉर्म उतारना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये देखिए, ये प्लेटफॉर्म का ये एक वायर है, ये वायर जो कि यहाँ से ये प्लग जेट में यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे देख दिखाइए, ये यहाँ पे लगा हुआ है प्लग जैक, इसको निकाल लेंगे। ओके,
और इसको हमने निकाला। ये देखिए यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, इसको हम खोलेंगे। ये भी निकालना पड़ेगा अपने को, तो ये मैं निकाल ही देता हूँ। यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ रहता है ना, तो पहले ही इसको मुझे पहले निकाल लेना चाहिए था, लेकिन बाद में भी निकाल सकते हैं। ये एक लॉक लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये देखिए इस लॉक को हम एग्जिट कर लेते हैं। और ये जो है इस तरह से लगा हुआ है, इसमें आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों घाट है, ठीक है, और इसके बीच में ये लगा हुआ था, यहाँ से जाएगा। ये देखिए ये आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं, इसको करके भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ से बाहर जाएगा और इसके बीच में ये फंसा रहेगा। ये यहाँ पे डालेंगे और इस लॉक को लगाएंगे और यहाँ से और इधर तक इसको पार कर देंगे और इसको निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है, और इसको साथ में ऐसे करके रख देते हैं ताकि घूमे मत। अब हम कहाँ तक आए थे, इस प्लेटफॉर्म को मुझे उतारना है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका यूनिट खोल लेता हूँ, फिक्सिंग यूनिट, मतलब टेफ्लॉन भी बोलते हैं इसको, फिक्सिंग। ये निकाल लिया मैं, लेफ्ट डोर निकाल लिया। लेफ्ट डोर निकालने के बाद में लेंगे, 1 2 3, तीनों प्लग्स एक निकाल लेंगे। उसके बाद में सबसे पहले ये खुलेगा। ओके, तो ये प्लेट हो गया, ये फिक्सिंग का प्लेट है, इसको हम एग्जिट कर लेते हैं। ओके, अब मैं इसको बताऊंगा आपको, इसमें एक फिल्म रहता है और उस फिल्म को कैसे ग्रीसिंग करते हैं उसका मैं ट्यूटोरियल बना दूंगा आपको बाद में। यहाँ पे दो स्क्रू लगा हुआ है, एक तो ये है और दूसरा ये है। ये देखिए ये दोनों खोलेंगे तो आपका ये यूनिट बाहर आ जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको खोलने के लिए, इसको बाहर करने के लिए, इसको खोलने के लिए आपका जो यहाँ का ये प्लेटफॉर्म है, ये दिखा देता हूँ आपको, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है, ये जो ये प्लेटफॉर्म है ये ऊपर उठा होना चाहिए, ये ऊपर उठा रहेगा तभी वो बाहर एग्जिट होगा। ओके, अगर ये उठा नहीं रहेगा तो दिक्कत आएगी आपको निकालने में, वो उठा होना चाहिए। ये देखिए ऐसे करके और ऐसे बाहर निकालेंगे, मतलब कि इसको लगाने के टाइम में इस एंगल पर निकालेंगे, ये वाला
इस एंगल पे, मतलब इसको पहले खींचना है अपने को, इसको पहले खींचना है, और उसके बाद में, खींचने के बाद में ये थोड़ा सा राइट, सॉरी लेफ्ट की तरफ मूव करते हुए और निकाल लेना है इसको। इसको भी अच्छे जगह में रख देंगे जहाँ पे कोई आए जाए ना, एक टेबल रख लीजिए सुरक्षित जगह हो, वहाँ पे सारी चीज़ों को संभाल के रख दीजिए। उसके बाद आप प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म अब नीचे उतारते हैं हम इसको, और इसको बाहर करते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। आइए देखते हैं प्लेटफॉर्म को बाहर कैसे करें। ये हम यहाँ से हाथ लगाएंगे इधर से, और इसको उतार लेते हैं पूरा का पूरा। ओके, ये बस लॉक यहीं पे था, बस एक जो लॉक दिखाया मैंने आपको, ये बाहर आ सकता है, बट ये है जो यहाँ से ये इस पॉइंट को आप एग्जिट करेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट को आप एग्जिट करेंगे। अब यहाँ से मैंने यहाँ से उठा लिया, ठीक है, और इस पॉइंट को एग्जिट करेंगे। इसको देखते हुए बढ़िया से लेफ्ट की तरफ लेते हुए फिर राइट लेंगे। उसके बाद देखिए ये फंसेगा, ये टूटना नहीं चाहिए। ये आपका यहाँ पे भी फंस रहा है, क्यों नहीं? ये धीरे धीरे आपका ये पूरा बाहर आ जाएगा। और एक ख्याल रखिएगा, यहाँ पे नीचे वो लगा रहता है तिलक, एक नीचे में जैक लगा हुआ है जो कि प्लेटफॉर्म को ऊपर करता है। ये बड़ा, ये देखिए ये रुकता है यहाँ पे, जो देख रहे हैं इसको, ये एंड डाउन कर रहा है, ये रोकता है। तो आप देख करके इसको निकालना, कहीं कुछ टूटना फटना नहीं चाहिए। बिल्कुल देखिए ये कितना ट्रांसफर रोल है, ये ट्रांसफर रोल मतलब कि इसको हम साफ कैसे करेंगे मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये पहले देखिए ये इसमें कितना मिट्टी और धूल पड़ा हुआ है। ये सारी टोनर है जो मतलब आपको चार्जर, ये चार्जर के लिए चार्जिंग नहीं कर पाएगा, ट्रांसफार्मर को करंट नहीं दे पाएगा, इस वजह से आपका लाइट कॉपी आएगा या कुछ मतलब अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको पूरी सर्विस करने के लिए मैं बाद में बताऊंगा। आप ऐसे पोंछ भी सकते हैं ऊपर से, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो बाकी मैंने खोलने के लिए तो आपको बता ही दिया है। और आइए देखते हैं डुप्लेक्सिंग प्लेट कैसे उतारेंगे। अब ये डुप्लेक्सिंग प्लेट के लिए यहाँ पे एक प्लग जिग दिया हुआ है, ये प्लग जिग दिया हुआ है, ये जो देख रहे हैं आप, आपको यहाँ पे कोई प्लग जिग दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है, जूम करके दिखा दीजिए, ये दिख रहा है प्लग जिग। ये प्लग जिग आपको ये करके ऐसे एग्जिट कर लेना है, ठीक है, ये वाला वायर आपको एग्जिट कर लेना है। उसके बाद में देखिए कि यहाँ पे एक लॉक है, यहाँ पे आइए दिखाता हूँ, यहाँ पे एक लॉक है, ये लॉक देख रहे हैं आप, ये दोनों यहाँ पे और यहाँ पे, इसके साथ में ये प्लेटफॉर्म लगा हुआ है। ऐसे उठाएंगे तो बस उसी के साथ में फिट है। आप इसको चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं, तो मैं बाहर आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ से एक यहाँ पे लॉक, छोटा सा एक यहाँ पे लॉक रहेगा, ये इस छोर पे, और यहाँ पे एक लॉक रहेगा। मैं आपको दोनों लॉक निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए एक यहाँ पे लॉक दिया हुआ है और जस्ट एक यहाँ पे लॉक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों लॉक को निकालेंगे, पेचकस से मैं निकाल लेता हूँ।
गया और इसको धीरे से आप इस तरह से एक लॉक निकाल लेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब इसको आप धीरे से वहां से निकाल सकते हैं खींच के। ठीक है, ये आप उतार सकते हैं, एक लॉक निकालेंगे आपका काम हो जाएगा, एक को खोलने की जरूरत नहीं है। आप इस तरह से इसको निकाल के, ये जो हमारा ये इस टाइप का छोटा सा एक लॉक दिया रहेगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। आप राइट साइड वाले को लॉक को निकालेंगे, लेफ्ट साइड ऐसे ही लगे रहने दीजिए और रख देते हैं इसको। अब ये हमारा प्लेट जो है ये बाहर आ जाएगा, आइए देखते हैं। ये बाहर आने के बाद इसका पूरी सर्विस कर सकते हैं, आप चाहो तो इस तरफ से आप इस तरफ से इसको निकाल सकते हो। ठीक है जी। हाँ, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो एक्चुएटर है इसको एक्चुएटर बोलते हैं, ये सेंसर हो गया, ये सेंसर हो गया, ये दोनों सेंसर हो गया और ये एक्चुएटर है। ये ध्यान रखिएगा आप, ये टूटना नहीं चाहिए, ये टूट जाएगा तो आपकी मशीन रुक जाएगी, डुप्लेक्सिंग में काम नहीं करेगा, प्रिंट तो करेगा, वन साइडेड प्रिंट होगी, बट ये रुक जाएगा तो आपका डुप्लेक्स रुक जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, टूटना नहीं चाहिए, ऐसे कुछ भी तो टूटना नहीं चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। देखिए शायद कुछ गिरा, एक टेक्निकल इंजीनियर को बस यही सोचना है कि कुछ गिरे या फिर कुछ टूटा रहे, कोई टुकड़ा मिल जाए तो उसको देखना भी चाहिए कि वो कहाँ से गिरा हुआ है, और उसको दिमाग लगाना है कि कहाँ से, उसको थोड़ा सोचना है कि कहाँ से वो गिर सकता है। तो आप देख सकते हैं इसमें इतना सारा वो डस्ट पड़ा हुआ है, तो इसको हम साफ करेंगे, पहले पूरी पूरे को साफ कर लेते हैं। ठीक है, ये चारों रोलर को पहले सबसे पहले साफ कर लेंगे, गंदा नहीं रहना चाहिए ये रोलर, जैसे कि ये देख रहे हैं आप गंदा है।